किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। आज के दिन हम बात करने वाले हैं फिल्म रॉकेटरी मूवी के 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे कि ये फिल्म अपने 11 दिनों में कितने करोड़ रुपए कमा चुकी है, फिल्म का बस किसा बना हुआ है और दोस्तों यह फिल्म आगे चलकर कितने करोड़ रुपए कमा सकती है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की तरफ, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। रॉकेट साइंटिस्ट के ऊपर बनाई गई बेहतरीन फिल्म रॉकेटरी, जिसका पूरा नाम द नाभि इफेक्ट रखा गया है। आपको बता दें कि मूवी ने अपने पहले दिन की जो ओपनिंग ली थी वो 1,73,00,000 रुपए की थी और दोस्तों फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 13,51,00,000 रुपए कमा लिए थे। वहीं पे फिल्म का 8वें दिन का कलेक्शन आया था यानी कि फ्राइडे का 1,15,00,000 रुपए और दोस्तों फिल्म ने अपने 9वें दिन की कमाई बताई यानी कि सैटरडे की लगभग 2,20,00,000 रुपए की। पर अगर हम बात करें फिल्म के 10वें दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म अपने 10वें दिन लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाते हुए नजर आ रही थी, जिसके चलते इस फिल्म का 10 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन 19,36,00,000 रुपए निकल के आ रहा था। पर अगर हम बात करें फिल्म के 11वें दिन के प्रेडिक्शन की तो आपको बता दें कि फिल्म के मॉर्निंग के शोज की जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग है 12% की, आफ्टरनून के शोज की ऑक्यूपेंसी है 14% की, इवनिंग के शोज की ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिल रही है 16% की और दोस्तों नाइट के शोज की ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिल रही है 10% की, जिसके चलते यह फिल्म अपने 11वें दिन लगभग 1 करोड़ रुपए कमाते हुए नजर आ रही है और दोस्तों इसके चलते यह फिल्म अपने 11 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन 20,36,00,000 रुपए कर चुकी है। वहीं पे फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 25 करोड़ रुपए हो चुका है और दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज से कमा लिए हैं लगभग 8 करोड़ रुपए, जिसके चलते इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 33 करोड़ रुपए हो चुका है और दोस्तों फिल्म का बजट है 20 करोड़ रुपए। इससे कहना गलत नहीं होगा कि हम सभी के बीच में फिल्म रॉकेटरी एक काफी बड़ी हिट मूवी हो चुकी है। अगर दोस्तों आपने फिल्म रॉकेटरी को देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आर माधवन की एक्टिंग कैसी लगी, डायरेक्शन कैसी लगी और इस मूवी के अंदर आपको सबसे खास अपडेट किसकी लगी, शाहरुख खान या फिर दोस्तों बेहतरीन एक्टर सूर्या की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।